फारिस, बेटा इतनी रात हो गई है, समन अंदर परेशान हो रही होगी। सो गई हो तो तुम भी जाकर सो जाओ। मामा, मैं समन को कैसे समझाऊं? मुझे डर लगता है कहीं मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जिससे उसे तकलीफ हो। बिल्कुल नहीं फारिस, तुमने बहुत हिम्मत से ये रिश्ता निभाया और आगे भी ऐसे ही निभाना। बाबा, क्या आप रिश्पा से मिले थे? हाँ, मिलने गया था। तुम्हें किसने बताया? फिक्र ना करें, रिश्पा ने नहीं, समन ने बताया। लेकिन मैंने समन से इस सिलसिले में तो कोई बात नहीं की। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जरूरत क्या थी मिलने की? बेटा, जरूरत थी तो मिला हूं ना उससे। पापा, कम से कम रिश्पा को तो घर के मसलों से दूर रखें। फारिस, किसी गलत मकसद से नहीं मिला मैं उससे। बाबा, मकसद जो भी हो, समन को तो यही लगेगा ना कि हम उसके साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। पागल लड़की है। बस फिर सोच ले कि एक पागल लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है। बेटा, वो तुम्हारी बात समझती है। अगर प्यार से उसे समझाओगे तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। बार बार कटहरे में खड़े रहो तो प्यार से बात नहीं होती। मैं भी इंसान हूं, थक गया हूं अपनी कमिटमेंट प्रूव करते करते। लेकिन बेटा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इसी में हम सबकी बेहतरी है।